सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी का चला डंडा। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के कितार प्रखंड के मुकुंदपुर पंडा नदी के किनारे कई जगहों पर बालू माफियाओं के द्वारा बालू डंप कर रखा गया था। गुप्त सूचना जिला खनन पदाधिकारी नंदेव बैठा को इसकी सूचना मिली। जिला खनन पदाधिकारी नंदेव बैठा त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी मेघन मतो, अंचल अमीन नवल तिवारी, कितार थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संजय हेमरम, पुलिस अवर निरीक्षक धनेश्वर मोची ने पंडा नदी के किनारे अवैध रूप से बालू उत्खनन कर रहे बालू माफियाओं का डंप बालू को जब्त करते हुए जिला खनन पदाधिकारी नंदेव बैठा ने कहा कि बालू को JSMDC को दिया जाएगा और चालान वहीं से काटा जाएगा। खनन पदाधिकारी आने की सूचना मिली तो बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। जब इसका खबर का संकलन कर रहे सिटी न्यूज संवाददाता सूरज कुमार मौके पर पहुंचे तो अवैध बालू माफियाओं ने सूरज कुमार को न सिर्फ धमकी दी बल्कि बाजबरदस्ती गाड़ी में बैठाने का भी प्रयास किया। किसी तरह संवाददाता सूरज कुमार जान बचाकर वहां से निकले तो बालू माफियाओं ने उन्हें धमकी दी। आपको बता दें कि केतार संवाददाता सूरज कुमार ने नारायण बन मंदिर पर खबर लिख रहे थे, उसी समय गांव के ही संतोष प्रसाद ने अपनी गाड़ी पर बाजबरदस्ती बैठाने का प्रयास किया। नहीं बैठने पर पीछे पीछे आने को धमकी दी। जब मेन रोड मुकुंदपुर चौक पर आने के बाद संतोष प्रसाद, विनोद प्रसाद, बुद्धि नारायण शाह सहित कुछ अन्य बालू माफियाओं ने बाजबरदस्ती रोक कर सिटी न्यूज संवाददाता को अपनी गाड़ी में बैठाने एवं जान से मारने की धमकी दी। उसी समय सूरज का भाई मौके पर पहुंच किसी तरह सूरज को वहां से निकाल घर लाया। तब पुनः बालू माफियाओं ने घर पर भी आकर धमकी दी है। साथ ही धमकी दी है कि बालू से संबंधित कोई अगर खबर छपेगी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डाल्टनगंज। बालू को JSMDC को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं, वहाँ से चालान कट गया है, चालान से ये जो है बिक्री हो जाएगा, सरकार को रॉयल्टी मिल जाएगा। लगातार सर कितार प्रखंड में बालू माफियाओं के द्वारा लोगों को सोना हराम हो जाता है। ठीक है, इस पर कार्रवाई हो रही है। नए उपायुक्त महोदय के आने के बाद जो है बालू घाट पर तेज़ी से कार्रवाई हो रही है।